स्वर्णाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लॉन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी गुना, मोबाइल नंबर 9893057151। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। गुना में 75 सालों से लगातार दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है और दशहरा मैदान में आज फिर रावण का दहन किया गया। रावण दहन के पूर्व राम और रावण के बीच में युद्ध का मंचन रामलीला समिति द्वारा किया गया एवं सभी वरिष्ठ जनों एवं अधिकारियों द्वारा सभी जिले वासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी गयी। दशहरा पर्व पर गुना एसपी कलेक्टर ने पुलिस लाइन में की शस्त्र वाहनों की पूजा। अधिकारियों द्वारा हर्ष फायर कर धूमधाम से मनाया दशहरा पर्व। पूर्व से चली आ रही परंपरा अनुसार दशहरा पर्व पर समूचे पुलिस विभाग के शस्त्रों व वाहनों की पूजा की जाती है। इसी परंपरा के क्रम में आज दिनांक 15 अक्टूबर को दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में गुना पुलिस के शस्त्र व वाहनों की पूजा के लिए प्रातः 11:30 बजे से गुना पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवल एवं पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा पुलिस के शस्त्रों वाहनों की विधिवत पूजा अर्चना की। मकसूदनगढ़ में दशहरे पर शमी के पेड़ की विशेष पूजा हर साल की तरह इस साल भी की गई। बताया जाता है कि भगवान राम ने रावण को मारने के बाद शमी के पेड़ की पूजा की थी और भगवान शंकर को शमी का पेड़ बहुत प्रिय है। कहा यह भी जाता है कि शमी के पेड़ के दर्शन करने से पापों का नाश होता है। इस दौरान मकसूदनगढ़ राजा यशवर्धन सिंह ने शमी के पेड़ की पूजा की। पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज ग्राम भुकनी में विजयदशमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। हर वर्ष की तरह आदिवासियों में एकता का परिचय देते हुए और बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने हथियारों का नियम पूर्वक हथियारों का पूजन किया गया और साथ ही आदिवासियों के कुल देवताओं का पूजन किया। त्योहार को अशोक सम्राट विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी पर घरों व मंदिरों में हवन पूजन किया गया। इसके साथ ही मां की स्वरूप कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोज भी कराया गया। दुर्गा पूजा पांडालों में भी महानवमी पर पूजा अर्चना की गई। विजयदशमी के महापर्व पर 26 बटालियन के शस्त्रागार में कमांडेंट रजत सकलेचा ने अपने शस्त्र और अपने वाहनों की पूजा कर विजयदशमी का पर्व मनाया, जिसमें 26वीं बटालियन के विभिन्न कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। नवदुर्गा के अंतिम दिन नवमी पर माता की विदाई के अवसर पर लोगों की दिखी नम आंखें, माताजी को दी विदाई। भारी संख्या में लोग सिंहवासा तालाब पर मूर्ति विसर्जन करने पहुंचे। पुलिस प्रशासन रहा चाक चौबंद। सहारा इंडिया कंपनी द्वारा जिले में निवेशकों के साथ लाखों की धोखाधड़ी के मामले में गुना पुलिस की सख्त कार्रवाई। सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन सुब्रता रॉय सहित अन्य के विरुद्ध गुना कोतवाली में 2 मामले दर्ज। गुना जिले के भोले भाले लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड या फिर अन्य किसी प्रकार के फ्रॉड के विरुद्ध गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गुना पुलिस द्वारा जिले वासियों के साथ साथ धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देने वाले नेटवर्क लालों को दूर दराज से गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव और उनकी टीम को शहर में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु चौधरन कॉलोनी में स्थित जैन मंदिर में माल्यार्पण और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा आज स्थानीय हनुमान चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य नेताओं का पुतला दहन किया। म्याना में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन निकाला गया, जो हनुमान चौराहे से प्रारंभ होकर म्याना के मुख्य मार्गों से निकलकर पटेल भवन में समाप्त हुआ। म्याना थाना प्रभारी अमोद सिंह राठौर के नेतृत्व में संपूर्ण स्टाफ भी शांति व्यवस्था को संभालता हुआ नजर आया और संपूर्ण संचलन के साथ पैदल चलते हुए नजर आए।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरओ नगर द्वारा शुक्रवार को विजयदशमी उत्सव के अवसर पर शहर में भव्य पथ संचलन निकाला गया। विजयदशमी कार्यक्रम का आयोजन किला परिसर के प्रांगण में किया गया था। इसके बाद स्वयंसेवकों ने शहर के विभिन्न मुख्य पद से गुजरते हुए पद संचलन किया। इस अवसर पर मार्ग में कई जगहों पर स्वयंसेवकों का फूलों की वर्षा के साथ स्वागत भी हुआ। पद संचलन के आगे आगे जय घोष का वादन हो रहा था। थाना प्रभारी बीएस गौर ने बनवाया 400 मीटर का ट्रैक। नगर में बच्चों की प्रैक्टिस के लिए आरोन थाना प्रांगण में बलवीर सिंह थाना प्रभारी आरोन द्वारा 400 मीटर का दौड़ने के लिए ट्रैक बनवाया है। इससे पहले युवा प्रैक्टिस करने के लिए इधर उधर जाते थे, वे अब थाना प्रांगण में प्रैक्टिस करने लग गए हैं। यह सुविधा मिलने से युवा लड़कों और लड़कियों के चेहरों पर रौनक आ गई है। उल्लेखनीय है कि थाना प्रभारी द्वारा इसके अलावा कई समाज सेवी कार्य किए हैं। वहीं थाना मंदिर परिसर में योग क्लास भी चलती है, वे भी निःशुल्क सुबह सुबह, जिसमें बहुत से लोग योग के लिए भी आते हैं। उधर युवा ट्रैक पर रनिंग करने के लिए अलग ही अनुभव बताते हैं। ग्राम बांसखेड़ी में माता रानी के दरबार में खीर वितरण की गई, जिसमें मुख्य संयोजक राजकुमार सिंह धाकड़ और म्याना मंडल अध्यक्ष हरिराम रघुवंशी के पुत्र राज रघुवंशी रहे। नवदुर्गा महोत्सव में बीसभुजी देवी मंदिर पर मेले में पिछड़े बच्चों को पुलिस ने उनके परिजनों को खोजकर मिलाया। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा इस नवदुर्गा महोत्सव में जिले के देवी स्थल बीसभुजी देवी मंदिर, बजरंगगढ़, निहाल देवी, सिरसी व अन्य धार्मिक स्थल पर झांकी पांडालों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप जिले में ये पर्व निर्विघ्न एवं शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के साथ सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में किए गए कई सराहनीय कार्यों से आमजन में पुलिस की एक अच्छी छवि स्थापित हुई। इसी तहत बजरंगगढ़ के बीसभुजी देवी मंदिर पर चले मेले में पुलिस द्वारा अपनी ड्यूटी बड़ी निष्ठा से की गई, जिसमें पुलिस सुरक्षा के साथ कभी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं दुकानदारों को मास्क बांटते नजर आए, तो कभी थाना प्रभारी अपनी बीट पर बुजुर्ग को लेकर माता के दर्शन कराते नजर आए, तो कभी मेले में अपने माता पिता से बिछड़े बच्चों को खोजकर उनके परिजनों से मिलवाया गया। अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत बाल संप्रेक्षण गृह में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। बालकों से अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत संप्रेक्षण गृह में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। बालकों से संवाद कर पूछी समस्याएं, कानूनी उपबंधों की दी जानकारी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश राजेश कुमार कोष्टा एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में बाल संप्रेक्षण गृह नानाखेड़ी गुना में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुमराज प्रखंड के ग्राम बड़ा गांव में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मिलकर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित जिला विद्यार्थी संपर्क प्रमुख ब्रजभान सिंह यादव ने कहा कि हमारे जीवन में शस्त्र और शास्त्र दोनों ही परम आवश्यक है। शास्त्र हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, तो वही शस्त्र हमें जीवन में शांति पूर्वक व सम्मान से रहने के लिए प्रेरणा देता है। धुंधु कर जला बुराई का प्रतीक रावण, असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार विजयदशमी पर्व शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। परंपरा के अनुसार इस दिन बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया। आरुण में रावण का 22 फुट का ऊंचा पुतला बनाया गया। तहसील प्रांगण में शाम 6 बजे पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम को देखने के लिए शाम 5 बजे से लोगों का आना शुरू हो गया था। दशहरा पर्व पर निकला पद संचलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा आज दशहरा पर्व के अवसर पर पद संचलन निकाला गया। रास्ते में राष्ट्रभक्तों ने पुष्प वर्षा कर संचलन का जगह जगह स्वागत किया। साई क्रिकेट एकेडमी द्वारा आज विजयदशमी के पर्व पर बैट बॉल एवं अन्य खेल की किटों की पूजा की गई। पीएन ग्रुप द्वारा कोरोना करमवीर सम्मान समारोह का
किया गया आयोजन जिसमें डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी जी को प्रशस्ति पत्र भेंट कर किया गया सम्मानित। आज रावगढ़ किले और धीरपुर स्थान पर परंपरागत पूजा की गई, जिसमें रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह और नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष आदित्य विक्रम सिंह रहे उपस्थित। दशहरा पर्व पर गुना एसपी कलेक्टर ने पुलिस लाइन में की शस्त्र वाहनों की पूजा। अधिकारियों द्वारा हर्ष फायर कर धूमधाम से मनाया दशहरा पर्व। पूर्व से चली आ रही परंपरा अनुसार दशहरा पर्व पर समूचे पुलिस विभाग के शस्त्रों व वाहनों की पूजा की जाती है। इसी परंपरा के क्रम में आज दिनांक 15 अक्टूबर को दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में गुना पुलिस के शस्त्र व वाहनों की पूजा के लिए प्रातः 11:30 बजे से गुना पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवल एवं पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा पुलिस के शस्त्रों वाहनों की विधिवत पूजा अर्चना की। कोविड का एक जो दौर है उसके बीच में सारे त्यौहार आ रहे हैं, सारे पर्व मनाए जा रहे हैं। कोविड की गाइडलाइन का पालन करने और कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सभी लोग इस तरफ सजग हैं। आज विजयदशमी का पावन पर्व है। इस पावन पर्व पर मैं पूरे गुना जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पर्व को बहुत ही प्रेम और सद्भाव के साथ बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग मनाएं। आज हमारे यहां पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया है, सुरक्षा की कामना की गई है। सभी ने बड़ी तन्मयता और लगन से पूजन ये संपन्न किया है। कलेक्टर महोदय भी इसमें हमारे उपस्थित हुए हैं। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। विसर्जन में कहीं कोई दुर्घटना नहीं घटी, पुलिस काफ़ी मुस्तैद रही, उसमें आपने क्या किस तरह इंतजाम किए थे? कुछ घटनाएं पूर्व में कई अन्य जगहों पे और शायद यहाँ भी विसर्जन स्थल पे हुई है। विसर्जन के दौरान हम इस बार विशेष सतर्क थे। जितने भी विसर्जन स्थल हैं उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ बल लगाया था, सुरक्षा के इंतजाम किए थे। हम और कलेक्टर साहब 2 दिन से सारे विसर्जन स्थलों पर जा रहे हैं, वहाँ जो कमियाँ हैं उनको ठीक करा रहे हैं। वहाँ तैराक रखे गए हैं, नाव रखी गई है, ट्यूब टायर रखे गए हैं, सेफ्टी जैकेट रखे गए हैं और लोगों को वहाँ से दूर रखा जा रहा है। हमारे पुलिसकर्मी सारे प्रतिमाओं को लेकर और ससम्मान उनका विसर्जन कर रहे हैं, ये पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा गया। दशहरा के दिन पर सभी को आज समस्त गुनावासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, हम कोरोना को तभी डिफीट कर पाएंगे जब हमारा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो। आज की डेट में लगभग 9 लाख वैक्सीनेशन सिंगल फर्स्ट डोज हो चुके हैं हमारे, लेकिन हमारे सेकंड डोज जो वैक्सीनेशन है वो लगभग वो 1.5 लाख के आसपास हुआ है एंड उसमें अराउंड 1,37,000 लोग ऐसे हैं जो ड्यू हो चुके हैं, मतलब उनका सेकंड डोज के लिए ड्यू है। उन सभी से निवेदन है कि जिन लोगों का ड्यू हो चुका है सेकंड डोज के लिए, वो कृपया करके सेकंड डोज लगाएं। सिर्फ एक डोज मात्र काफ़ी नहीं रहता है कोरोना को हराने के लिए, हमें दोनों डोज लेना रहेगा। कृपया करके सेकंड डोज लगाएं। हमारे पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन्स हैं, हम डोर टू डोर भी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर भी डिमांड है, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, आ नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर हम घर में भी जाके लगा सकते हैं। वार्ड्स पे भी हम लोग खोल रहे हैं, तो कृपया करके इस वैक्सीनेशन महाअभियान में जरूर पार्टिसिपेट करें एंड अपने आप को, अपने परिवार को जरूर सुरक्षित करें। आज ग्राम भुकनी में विजयदशमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। हर वर्ष की तरह आदिवासियों में एकता का परिचय देते हुए और बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने हथियारों का नियम पूर्वक हथियारों का पूजन किया गया और साथ ही आदिवासियों के कुल देवताओं का पूजन किया। त्योहार को अशोक सम्राट विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। नवदुर्गा के अंतिम दिन नवमी पर माता की विदाई के अवसर पर लोगों की दिखी नम आंखें, माताजी को दी विदाई। भारी संख्या में लोग सिंहवासा तालाब पर मूर्ति विसर्जन करने पहुंचे। पुलिस प्रशासन रहा चाक चौबंद।
पार करवा दो। विदाई माता की विदाई करते में कैसा महसूस कर रहा है? 9 दिन सेवा करने के बाद में माता को विसर्जन करने में विदा करने में बड़ा बोलो सहारा इंडिया कंपनी द्वारा जिले में निवेशकों के साथ लाखों की धोखाधड़ी के मामले में गुना पुलिस की सख्त कार्रवाई। सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन सुब्रता रॉय सहित अन्य के विरुद्ध गुना कोतवाली में 2 मामले दर्ज। गुना जिले के भोले भाले लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड या फिर अन्य किसी प्रकार के फ्रॉड के विरुद्ध गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गुना पुलिस द्वारा जिलेवासियों के साथ साथ धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देने वाले नटवर लालों को दूर दराज से गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक फरियादी हैं सीमा शर्मा, उनके द्वारा ये आवेदन दिया गया था कि ये सहारा कंपनी के जो डायरेक्टर हैं और पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके लोगों ने मिलकर धोखाधड़ी की। एक लंबे समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी, उसकी जांच की गई। जांच के आधार पर ये पाया गया कि ये इस तरह से गबन किया गया है, धोखाधड़ी की गई है। तो उस कंपनी के जो प्रमुख हैं सुब्रत राय और बाकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया गया है। अब आगे क्या रहेगा गिरफ्तारी के लिए? आगे अब इसमें साक्ष्य संकलित करके गिरफ्तारी की। गुना में 75 सालों से लगातार दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है और दशहरा मैदान में आज फिर रावण का दहन किया गया। रावण दहन के पूर्व राम और रावण के बीच में युद्ध का मंचन रामलीला समिति द्वारा किया गया एवं सभी वरिष्ठ जनों एवं अधिकारियों द्वारा सभी जिले वासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी गयी। जिस रथ पे सवार होकर विजय प्राप्त होती है वह रथ दूसरा ही होता है। चल होता है इन चल होने से मेरा ही नाम गूंजता है मंदिर मंदिर हर एक कोने से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बजरंग बली की जय। असगुन होने लगे बधिराना जो वही कर श्रृगाल कर स्वा।
विजयादशमी महोत्सव पर्व पर नगर के समस्त धर्म प्रेमी जनता को विजयादशमी दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयां। हम हमेशा की तरह यह पर्व मनाते रहें। असत्य पर सत्य की विजय का यह प्रतीक है। राम जी के आदर्शों को अपनाएं, जीवन को सफल बनाएं, समाज में समरसता व्यापे, यही कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाली परिवार को विशेष धन्यवाद। विजयदशमी के अवसर पर सारे शहरवासियों को अपनी ओर से और हमारी सारी समिति की ओर से बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह हम हर वर्ष विजयदशमी बुराई पर अच्छाई के रूप में मनाएं। इसी आशा के साथ आप सबको धन्यवाद। मेरी तरफ से और गुना पुलिस की तरफ से सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को, सभी गुनावासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर से कामनाएं। धन्यवाद। असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के महापर्व विजयदशमी की सभी हार्दिक शुभकामनाएं। नगरवासियों को बुराई पर अच्छाई की जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रगति करें। थैंक यू। मैं डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी अपनी तरफ से सभी प्यारीवासियों को, सभी गणमान्य नागरिकों को, पूरे ज़िलेवासियों को अपनी तरफ से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब सुखी और प्रसन्न रहें और हमेशा सत्य की राह पर चलें, असत्य पर विजय प्राप्त करें। विजयदशमी की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं नवरात्रा पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए एक त्यौहार मनाया जाता है और मैं पंडित हनुमान चौराहा मंदिर का पुजारी राम जी महाराज हनुमान चौराहा गुना। समस्त शहरवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जैसा कि आज ये पर्व हम सब एकत्रित होकर मना रहे हैं, ये समाज के लिए, देश के लिए संदेश है। जब जब आसुरी शक्तियों ने पृथ्वी पर जन्म लिया, किसी न किसी रूप में भगवान ने स्वयं अवतार लेकर उन्होंने नाश किया है। और आज हम जैसे समाज में कई तरह की बीमारियां देख रहे हैं, खास करके जो COVID-19 चल रहा है, इसके लिए आज हमें संकल्पित होकर ये प्रसारण करें कि हमको स्वयं सैनिटाइज होते हुए सबको सैनिटाइज कर और 2 गज दूरी जीवन है जरूरी का संदेश देते हुए हम सब संकल्पित हों। बहुत बहुत बधाइयाँ। जय श्री राम। आज विजयदशमी के पर्व पहले तो सब करता हूँ, मैं शहर के समस्त शहरवासियों के लिए विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सत्य पर असत्य की जीत हुई थी, इसी रूप में हम दशहरा का पर्व मनाते हैं। भगवान श्री राम के आदर्शों का समस्त शहरवासियों को पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी चैनल ने आज जो दिखाया उसके लिए सिटी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज विजयदशमी की सभी जो है ना नगरवासियों को, जिलावासियों को जो है ना बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ ढेर सारी। हमेशा असत्य पर सत्य की विजय होती है और हमेशा जो है ना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम को जो है ना बताना, हमेशा जो है एक उनका एक इतिहास रहा है पूरे उसमें जो है जो नीतिगत जो है बताना अपना उनका सिद्धांत रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य।